हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने आपके स्टेनो के कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब चिन्ह की एक वीडियो और लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कुछ और सब चिन्ह। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सब चिन्हों की वीडियो डाल चुका हूं, पिछली वीडियो को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी तरीके से स्टेनो के कोर्स को और फ्लुएंट तरीके से और स्पीड में नहीं लिख पाएंगे और स्टेनो नहीं सीख पाएंगे। तो आपको ये सब चिन्हों का को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर फोकस रखना है, ठीक है? सब चिन्हों को, जैसे मेरा तरीका है कि मैंने सब चिन्हों को खुद सेट कर लिया है और ये सब चिन्हों को मैंने एक नोटपैड में मैंने सेट कर लिया है और उन्हीं को मैं सेट करे हुए कुछ ग्रुपों के साथ आपको बताऊंगा, जिससे आपको आसानी पड़ेगी सीखने के लिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको जो अभी इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको अंक की बिंदी के सब चिन्ह बताए थे। इसमें कुछ सब चिन्ह आपने प्रैक्टिस कर लिए। देखिए, सब चिन्हों का ये मतलब नहीं होता कि आप सारे सब चिन्ह आपको प्रॉपर याद होने, ऐसा नहीं है। मुझे भी कुछ याद नहीं रहते हैं, मगर जितने ज़्यादा आप याद कर लोगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इससे क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर वर्ड पूरा बनाना पड़ेगा, इसमें क्या होगा छोटा सा एक लाइन भी करेंगे तो भी पूरा का पूरा शब्द बन जाएगा। इसलिए आपको सब चिन्ह ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज़ ज़्यादा ज़्यादा याद करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसानी पड़ेगी स्पीड गेन करने के लिए। तो दोस्तों, आज के जो सब चिन्ह हैं वह हैं अधिकरण के सब चिन्ह, करण के शब्द चिन्ह। अधिकरण कौन सा नियम है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यंजन को अगर आप उसके एक्चुअल साइज से हाफ करके लिख देते हैं तो उसमें टी और डी ग्रुप जुड़ जाता है। जिन जिन व्यक्तियों को नाम वो जो जिन बच्चों को अगर ना ये नियम पता हो तो वो है, क्या है कि पुरानी वीडियो में जाकर अधिकरण के सिद्धांत का नियम देख सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उनके सब चिन्ह आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए प्रॉपर फोकस रखना जरूरी है। मैंने जैसे कि मैं पुराने नियम के हिसाब से मैंने सेट कर रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन से ऊपर पे में रे का हुक लगाते हैं। एक सेकंड, मेरा क्या अरेंजमेंट इसी तरीके से कर रखा है क्लास अच्छी बनाने के लिए। लाइन से ऊपर पे में रे का हुक लगाकर हाफ कर देते हैं तो ये बनता है प्राप्त प्राप्ति, ठीक है? ये आपको पता होगा, ठीक है? लाइन से टच कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रत्येक, ठीक है? लाइन से नीचे करते हैं तो बनता है प्रति, ठीक है? ये एक ग्रुप बना दिया, ठीक है? लाइन से अब इसी तरीके से दूसरा ग्रुप लेते हैं तो लाइन से ऊपर जय में नय का हुक लगाते हैं। जय में नय का हुक है, ठीक है? अगर बोर्ड पे ना दिख रहा हो तो मेरे बोलने पे जाना, जय में नय का हुक लगाकर हाफ करना है, ठीक है? ये बनता है जनता और जेंटलमैन, ठीक है? लाइन से टच करते हैं तो बनता है जितना, जितने और जितनी, ठीक है? ये ग्रुप बन गया, ठीक है? इसी तरीके से इसमें हाँ एक ग्रुप और बन जाएगा। लाइन से टच करके के में ने का हुक लगाना और हाफ कर देता है तो बनता है कितना, कितने, कितनी, ठीक है? लाइन से नीचे कर देते हैं और नय का हुक लगा देते हैं तो बनता है किंतु, ठीक है? ये एक ग्रुप बन गया। तीन ग्रुप मैंने समझा दिया, और कोई बन पाएगा? एक ग्रुप और बन जाएगा। लाइन से ऊपर मैं को हाफ कर दो, ठीक है? तो ये बन जाएगा मतलब और मतलबी, ठीक है? लाइन से टच कर दो तो बन जाएगा मध्य, ठीक है? लाइन से नीचे कर दो तो बन जाएगा मुद्दत, ठीक है? ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है? ऐसे एक ग्रुप और बनेगा, से का सर्कल और पे को हाफ कर दो तो ये बन जाएगा समाप्त समाप्ति। लाइन से टच करते हैं तो बन जाएगा सप्ताह, ठीक है? ये एक ग्रुप बन गया। और कोई ग्रुप बनेगा? और ग्रुप नहीं बनेंगे इस वाली एक्सरसाइज के, ठीक है? मगर हम सिंगल सिंगल भी प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं ज़रा इसे मिटा लेता हूँ क्योंकि वह ग्रुप ज़्यादा होंगे, लाइनिंग बारीक कर लेता हूँ, ठीक है? सिंगल सिंगल वाले। और ये आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है? क्या है, यूट्यूब की वीडियो को तो पॉज करने का है तरीका, उसे आप पॉज करके आसानी से रोक कर स्टडी को और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है?
मैं अपने जितने भी साधन है उससे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और वीडियो को सपोर्ट करा करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, हम थोड़ा क्या है, ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी तो और अच्छा लगेगा, जहाँ पर नहीं स्टेनो की पढ़ाई हो पाती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, मेरे पास कई लोगों के मैं फ़ोन भी आए थे, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो आपको स्टेनो को मास्टर खुद बना देता मैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है, थोड़ा अगर जूम का ऑप्शन हो ना आपके वीडियो में तो वो जूम करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम सिंगल सिंगल करेंगे। ठीक है, तय में नय का हुक लगाओ लाइन से नीचे, तो ये बन जाए तय में नय का हुक है, इतना इतने इतनी, तय में नय का हुक है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ना समझ में आया ना दिख रहा हो तो तय में नय का हुक और हाफ करके, तो ये बन जाए इतना इतने इतनी। ठीक है, कै में रे का हुक लगाते हैं, कै में रे का हुक हाफ करते हैं तो बनता है कर्तव्य। ठीक है, और बे को हाफ कर देते हैं तो बनता है बहुत। ठीक है, ऐसे ही मैं को हाफ करते हैं, सॉरी मैं को नहीं, हाँ ठीक है, हाँ नय को हाफ कर दो, हाफ करके तो ये बनता है अंदर। ठीक है, जय में थोड़ा नॉइस भी आ सकता है, क्योंकि देखो ऐसा ही अरेंजमेंट है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान देना सिर्फ। ठीक है, जय में रह का हुक लगाना है। ठीक है, जय में रह का हुक तो ये बन जाए जरूरत। ठीक है, सह का सर्कल और नय का हुक और हाफ करना तो बनता है संयुक्त। तो, ठीक है, अगर जूम करने का ऑप्शन हो तो जूम कर करके देख लेना। ठीक है, सह का सर्कल और मैं लगा का और हाफ करना है तो बनता है संबंधित। ठीक है, ऐसे ही संबंधित के बाद सह का सर्कल और नय का हुक और लाइन से टच करके और हाफ करना है तो बनता है संदेह। ठीक है, जय को हाफ करके लगा दो तो बनता है बावजूद। ठीक है, बावजूद हो जाएगा, बड़े हुक मात्रा है। ठीक है, नय में रह का हुक लगाना है और हाफ करना तो बनता है अनुरोध। ठीक है, मैं का हुक और रह का हुक और मैं हाफ करके लगाना मृत्यु। ठीक है, तय में रह का हुक लगाना और हाफ करना है और लाइन से ऊपर तो बनता है अतिरिक्त। ठीक है, सह का सर्कल, मैंने एक नियम बताया था, जिस साइड से अगर राइट से और लेफ्ट साइड से अगर सह का सर्कल लगा देते हैं पे में, तो उसमें हुक भी जुड़ जाता है, सपर वाली कंडीशन बन जाती है। उसी कंडीशन में अगर आप रह का हुक और लगाते हैं और टच करते हैं लाइन और हाफ करते हैं तो ये बन जाए सपुर्द। ठीक है, लग रहा होगा ज़्यादा हो गए हैं, मगर देखो वीडियो कम डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, लाइन से टच करके है लगाना है और हाफ करना है तो बनता है हाथ। ठीक है, तय में नय का हुक लगाना है और हाफ कर देना है तो बनता है अत्यंत। सह का सर्कल और रह का रह को हाफ करना है तो बनता है सुरक्षित। ठीक है, ये तो सब सिंगल सिंगल है, ग्रुप में नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा और बताता हूँ, मैं और वैक का हुक और हाफ तो ये बनता है मृत्यु, मैंने बता दिया था ना, मंतव्य। ठीक है, मतव्य लिखना है। ठीक है, सह में रह का हुक लगाना है और सह में रह का हुक लगाना और लाइन से टच करके हाफ कर देना तो बनता है श्रीयुत, ये है श्रीयुत। ठीक है, सह को हाफ कर देना है, लाइन से टच कर देना है तो बनता है शिक्षित। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जूम करते जाना, बे में नय का हुक और हाफ कर देना तो बनता है बंदोबस्त। ठीक है, नय में रह का हुक और हाफ तो बनता है नार्थ। ठीक है, तो ये है बच्चों अधिकरण के सभी सब चिन्ह हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ
किताब में दो तीन पार्टों में दे रखे हैं मैंने आपको, मिक्स करके एक साथ दे दिया। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इन सबको यूज़ कर लोगे। देखो सभी को यूज़ ऐसा नहीं है कि हर किसी को स्टेनो को सारे याद हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादातर याद हो जाए। जैसे कौन से इसमें यूज़ होने वाले, जैसे कर्तव्य हो गया, बहुत हो गया, अंदर हो गया, ज़रूरत हो गया, ये बावजूद हो गया, मृत्यु हो गया। अगर इनके सबकी प्रैक्टिस कर लोगे ना और ये आपके दिमाग में सेट हो गए तो आपके बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैं भी थक गया हूँ। चलिए अगली वीडियो पर आएंगे और कुछ सब चिन्ह और सीखेंगे। ठीक है।